नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वन इंडिया हिंदी में। भारत इस समय कोरोना महामारी से जंग लड़ रहा है। स्कूल से लेकर कॉलेज तक के छात्र फिलहाल घर से पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन के बाद से अब तक स्कूल बंद हैं और ज्यादातर स्कूल और कॉलेज के छात्रों की पढ़ाई ऑनलाइन चल रही है। लेकिन इस बीच सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार ऑनलाइन पढ़ाई के लिए देश भर के छात्रों को 10 GB प्रतिदिन मुफ्त इंटरनेट दे रही है, ताकि वे कोरोना वायरस महामारी के बीच ऑनलाइन परीक्षा दे सके। वायरल मैसेज में लिखा है, कोरोना वायरस के कारण स्कूल और कॉलेज बंद हो गए हैं और इस वजह से छात्रों की शिक्षा प्रभावित हुई है, इसलिए सरकार ने सभी छात्रों को प्रतिदिन 10 GB मुफ्त इंटरनेट दे रही है। मैसेज में ये बताया गया है कि सरकार ऐसा इसलिए कर रही है ताकि छात्र अपनी शिक्षा पूरी कर सके और इंटरनेट के जरिए ऑनलाइन कक्षाओं की मदद से भी परीक्षा दे सके। मैसेज में एक लिंक भी दिया गया है और कहा गया है कि आप इस लिंक से अपना फ्री इंटरनेट पैक प्राप्त करने के लिए फॉर्म भर सकते हैं। इस वायरल मैसेज में लास्ट में ये भी लिखा है कि लोगों की सुविधा के लिए इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि उन्हें इस सुविधा का लाभ मिल सके। वहीं अब सवाल ये था कि क्या सरकार छात्रों को पढ़ाई के लिए रोज 10 GB डेटा फ्री दे रही है। जब इस खबर की पड़ताल की गई तो सच सामने आया। इस मैसेज के वायरल होने के बाद PIB की फैक्ट चेक टीम ने जब इस मैसेज के सच की पड़ताल की तो ये दावा फर्जी निकला। PIB फैक्ट चेक ने बताया कि दावा फेक है, सरकार द्वारा ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया। इससे पहले भी सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हो रही थी, जिसमें दावा किया जा रहा था कि सरकार ऑनलाइन पढ़ाई के लिए देश भर के छात्रों को मुफ्त में स्मार्टफोन बांट रही है, लेकिन ये खबर भी फर्जी थी। तो फैक्ट चेक में 10 GB फ्री डेटा वाली खबर का दावा फर्जी निकला। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।